क्या इनका इतिहास है और किसकी है ये जी? जब गुरु नानक साहब महाराज जी पहली उदासी में आए हैं, उस टाइम महाराज आगरा भी पहली उदासी में आए हैं, जो ये खड़ा में हैं ये साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी को राजा शिवनाथ जी ने जो भेंटा की थी, जो कि जब गुरु नानक साहब महाराज अपनी पहली उदासी में निजामाबाद की धरती पर गए हैं बनारस की तरफ, वहाँ पे संगतों को महाराज ने अपनी निशानी के तौर पे वो खड़ामा दी थी, जहाँ पे कि गुरुद्वारा गुरु के ताल की ही सेवा है, और वहाँ से हर साल ये खड़ामे जो हैं इस बार स्पेशल तौर पे संगत के दर्शनों के लिए मंगवाए गए हैं। जैसा कि विदित है कि ये गुरुद्वारा गुरु का ताल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और इस प्रकाश पर्व पे सबसे ज़्यादा जो संगत आती है, करीब लाखों की संख्या में, डेढ़ लाख से ऊपर आदमी आने की संभावना है। तो यहाँ पे जो विद्युत साज सज्जा की जाती है वो अपने आप में दर्शनीय है। और आपकी जानकारी बता दो, इस बार जो कंसेप्ट लिया गया है, जो कलकत्ता का जो आपका जो माता दुर्गा मंडल माता के पंडाल सजते हैं, और बॉम्बे में जो गणेश जी का पंडाल सजते हैं, वहाँ का कंसेप्ट आया है, और आपको वहाँ का नज़ारा 23 तारीख को दिखेगा किस तरह की लाइटिंग होगी। आतिशबाजी के माध्यम से भी यहाँ हर बार कोई ना कोई संदेश दिया जाता है, इस बार क्या नई पहल की गई है संदेश के लिए आतिशबाजी के माध्यम से? माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, और कोर्ट का आदेश है जो कि हमारे लिए कम से कम पॉल्यूशन हो, तो इस बार ज़मीनी आतिशबाजी हमने बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जो भी आतिशबाजी होगी वो आकाशीय होगी। इस बार 2-4 आइटम ऐसे भी शामिल गए हैं जिनमें कि आतिशबाजी में धुआं बिल्कुल नहीं हो, अगर वो कामयाबी रहती है तो अगली बार से जो भी आतिशबाजी होगी उसी तरह की होगी, वो भी आतिशबाजी आगरा नहीं बहुत दूर से मंगाई होगी। तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 23 तारीख को पावन प्रकाश पर्व है, उसी के उपलक्ष्य में ये सब तैयारियां चल रही हैं, और लाइट की जो तैयारी चल रही है अभी लाइट बहुत सारी और लगने वाली है, काफ़ी लाइट लग चुकी है, और उस दिन जो बहुत भारी इकट्ठ होता है जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, शाम को आतिशबाजी भी होती है, और सतगुरु नानक महाराज जी का प्रकाश पर्व जो है बड़ी श्रद्धा से बड़ी धूमधाम से गुरुद्वारा दुखनिवारण गुरु का ताल पर मनाया जाएगा। उसमें विशेष तौर से इस साल गुरु नानक महाराज की पावन खड़ामे और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की खड़ाओं संगत के दर्शन के लिए लाई गई हैं, उनके भी संगत को दर्शन होंगे, और जितनी भी संगत आएगी उनकी सेवा संभाल करने के लिए उत्तराखंड से पंजाब से बहुत सारे श्रद्धालु संगत आ रही है, जो सेवा करने के लिए लंगर बरताने के लिए लंगर पकाने के लिए वो भी बहुत सारी संगत बाहर से आई है, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां भी चल रही हैं, ऐसा संभावना के ज़्यादा पिछले सालों से भी ज़्यादा इकट्ठ होएगा, लाखों तादाद में संगत आ रही है, उसकी देख रेख करने की सेवा संभाल करने के लिए पूरे हमारे सेवादार जुटे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर जो पादुकाएँ कल दिखाई प्रकाश पर्व के दिन दिखाई जाएंगी, क्या वो हमेशा नहीं दिखाई जाती है केवल? नहीं, वो स्थान है गुरुद्वारा चरण पाद का निजामाबाद, आजमगढ़ के से करीबन 20 किलोमीटर है, वहाँ स्थित वहाँ ही रहती हैं कड़ा में, और जब जब समा होता है तब तक उनके दर्शन करवाए जाते हैं, और अमृतसर साहब तक ये खड़ा में कोई दर्शन कराए गए हैं। ये गुरुद्वारा गुरुद्वाल के इतिहास और ये प्रकाश पर्व का क्या इतिहास रहता है? इतिहास तो बहुत बड़ा है, 4 गुरु साहिबानों ने चरण पाए हैं, गुरु नानक महाराज जी आए हैं, 6वें गुरु गुरु हरगोविंद साहब महाराज आए हैं, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी जहाँ पर चरण पाए हैं, और गुरु नानक महाराज जी का प्रकाश पर्व जो है तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि सिखों के प्रथम गुरु पहले गुरु गुरु नानक महाराज जी ने जो आज उनकी बख्शिश है जो जहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, ये गुरु नानक महाराज ने लंगर चलाया था, 20 रुपये का लंगर चलाया था उस समय, पिताजी ने 20 रुपये दिए थे बिजनेस करने के लिए, उसका लंगर चला रहा था जो आज तक निरंतर चल रहा है, ये गुरु नानक महाराज की ही बख्शिश है। ये गुरु महाराज की कृपा है, और हमारे जितने भी जहाँ सेवादार रहते हैं उनकी मशक्कत है, आप अपनी ड्यूटी समझते हैं, और ख़ास करके जैसे जैसे उनको कहा जाता है उसे टाइम टाइम से सफाई साफ़ सफाई लंगर की, जैसे पंक्ति एक उठ गई उसके बाद में साथ के साथ वहाँ सफाई की जाती है, ये सभी सेवादारों और संगत के सहयोग से होता है। किस नंबर पर आया ये प्रथम नंबर आया गुप्त एक बात समय प्रदेश में?
किसके द्वारा अवार्ड किया गया? ये माननीय जोगी जी के द्वारा, मैं खुद जाके अवार्ड लेके आया था, लखनऊ में अवार्ड दिया गया था। मीडिया के द्वारा जितने भी संगत गुरु नानक नाम लेवा, सभी संगत को जितने भी दर्शन कर रहे हैं इस पावन स्थान के, सभी को गुरु नानक महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की मैं लाख लाख बधाई देता हूं। गुरु महाराज सबके ऊपर कृपा बनाई रखें।